से आपके बगल में रामपाल नामदेव जी बैठे हुए हैं, सबसे सीनियर व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनका कथन है, अब मैं वापिस घर नहीं जाऊंगा, शिक्षा विभाग लेके ही जाऊंगा। मित्रों, मेरा भी कहना है इनको ताल से ताल मिला के, जगदीश जी, कि आप कहें कि 24 घंटे 24 वर्ष जब तक शरीर में प्राण है तब तक आमरण अनशन तुम्हारे कंधे से कंधे मिला करके ये टीकमगढ़ जिले का अखिलेश तिवारी करेगा, चाहे आत्मदाय क्यों ना करना पड़े। सरकार को हिलाइए, मजबूर करिए। प्रधानमंत्री जी ने माने कि हाँ, कोई मध्य प्रदेश के अध्यापक आए थे जिन्होंने हमारे द्वारा शिवराज की घंटी बजवाई थी और हमें मजबूर में शिक्षा विभाग सम्मेलन करना पड़ा। साथियों, हम लोग आपस में बहाना करें, अगर ऐसे लोग कर्मठ लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं कि हम जब ही लौटे जब शिक्षा विभाग लेके जाएं, कोई कहता है हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कहता है हम बहुत बिजी हैं, और मित्रों में अपनी व्यवस्था, मेरे साथ में जितने साथी आए हैं 25 लोग मेरे साथ आए, अभी 5 लोग फिर आ गए हैं, उनको भी फोन किया, वो भी आने वाले हैं। उन सबसे पूछिए सारी प्रॉब्लम, जगदीश मेरे घर पे होके आए हैं, अभी मुझसे गया बीता, मुझसे ज्यादा समस्या किसी की नहीं हुई। मैं प्रत्येक प्रांत कार्यकारिणी की बैठक में जाता हूं, स्वयं के बह पे जाता हूं और संगठन के लिए ही जिंदा हूं। जब तक संगठन चलता रहेगा, जहां भी जो आवश्यकता होगी, संघ का जो इशारा होगा, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, चाहे वर्षों वर्षों भूखा रहना पड़े, जेलें भरना पड़े, रहे रोको आंदोलन, कुछ भी जितने तरीके आंदोलन होते हैं, सब करने में सर्वप्रथम रहूंगा। और अगर ऐसे हमें 5 पांडव मिलते हैं जगदीश जी, तो वो दिन दूर नहीं कि कौरव सेना का क्या करते हैं, जिनमें वजूद ही नहीं है, जो चूड़ी पल के घर में बैठे हैं अध्यापक। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो 5 पांडव पर्याप्त है, हमें ज्यादा संख्या बल की आवश्यकता नहीं कि एक गीलड़ के आने पर सब भग जाए। मैं ये कह रहा हूं 5 पांडव ही बहुत हैं जो कौरव सेना को प्राप्त करेंगे। इसलिए अगला जो निर्णय लें जगदीश जी, यहां से जब ही उठे बिल्कुल सार्थक सटीक, अब तो आगे टुकड़ों में लड़ाई नहीं होगी। और मेरा ख्याल है जो भी बोलेगा सब यही बोलेंगे कि ये आखिरी लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा भी सुझाव है कि इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई ही रखा जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया भाई।